जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमें हमारे थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है, और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। इन खतरों के बारे में हमने आपको 5 साल से लगातार आगाह किया है, और आप उसका अंजाम देखिए कि जो आज दिल्ली ने अपना नजारा पेश किया। मंगलवार 25 फरवरी तक दिल्ली से हिंसा की खबरें आती रहीं। इस घटना के पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दिल्ली में हिंसा से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है और 150 से अधिक लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थिति को खतरनाक बताया और कहा कि हिंसा को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए। 25 फरवरी को ही मंगलवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा पर काफी चिंता जताई थी। जिनकी भी मौत हुई है, पुलिस वाले भी और जो सिविलियंस थे, वो सब हमें हमारे थे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही दिल्ली के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं। तो जैसे जैसे अगर हिंसा बढ़ती है तो कल को किसी का भी नंबर आ सकता है, वो भी किसी ना किसी परिवार के सदस्य थे जिन लोगों की मौत हुई है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के घर जल गए वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की दुकानें लूट गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, जिन लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिल चली गई जल गई वो अच्छी स्थिति नहीं है, और इसमें सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। कल को आज किसी का हो रहा है, कल को किसी और का होगा। तो अभी अभी मैंने एक मीटिंग ली थी जिसमें जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनके सभी विधायकों को बुलाया था, चाहे बीजेपी के विधायक हों चाहे हमारी पार्टी के हों, दोनों के विधायक आए थे और सभी सीनियर ऑफिसर्स थे कंसर्न डिपार्टमेंट्स के। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को सबको आदेश दिया गया है कि वो मुस्तैदी से काम करें, सभी हॉस्पिटल्स तैयार रहें, अगर जो भी इंजर्ड लोग आते हैं उनको तुरंत अच्छे से अच्छी उनको इलाज मिलना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट वालों को आदेश दिया गया है कि उनको एक दिक्कत ही आ रही है जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुँचने में, तो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो लोग वहाँ पे समय पे पहुँचें। दिल्ली की घटना में हिंदू मुसलमान भी देखने को मिला। हिंदू मॉब द्वारा मंगलवार को भारतीय राजधानी में मस्जिद में आग लगा दी गई। DOM डॉक्यूमेंटिंग ऑपरेशन अगेंस्ट मुस्लिम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो ट्वीट की है जिसमें कुछ लोगों द्वारा जमीन पर जख्मी पड़े लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अच्छी तरह आजादी 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 आजादी। ऐसे मौके जब पत्रकार हिंसा की कवरेज करने गए तो उन्हें भी हिंसा करने वाले लोगों ने रोक दिया। हिंसा करने वालों ने पत्रकारों से उनका मजहब पूछा, उन्हें कवरेज करने से रोका और जो भी रिकॉर्ड किया उसे डिलीट करने के लिए कहा। इसके अलावा पत्रकारों से मारपीट भी हुई। मंगलवार 25 फरवरी को ही JK24x7 समाचार के एक संवाददाता आकाश को पूर्वी दिल्ली के मौजपुर में गोली मार दी गई थी। NDTV के 4 पत्रकारों और कैमरा पर्सन के साथ भी मारपीट हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो जर्नलिस्ट अनंदेय चट्टोपाध्याय ने अपने अखबार में लिखा है कि उसके सर पर तिलक लगाया गया और बोला गया इसे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, और उसे पूछा भी गया कि तुम हिंदू हो और उस बिल्डिंग की तरफ तस्वीर लेने क्यों जा रहे हो। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा उन्हें रोका गया और उनकी पैंट उतार कर उनके लिंग से मजहब की पहचान करने को कहा। इंडिया टुडे की तनुश्री पांडे ने ट्वीट किया कि दोनों पक्ष अपने हिसाब से धक्का मुक्की और मारपीट कर रहे थे। तनुश्री ने लिखा है कि 10 लोगों ने उन्हें पकड़ा और धमकी देने लगे। इसके बारे में अधिक जानकारी रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में भी दी। स्क्रोल ने छापा है कि मौजपुर एरिया में कई पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। बहुसंख्यक समाज के लोग जब एक अल्पसंख्यक घर पर हमला कर रहे थे तब हमलावरों ने पत्रकारों को मजबूर किया कि अपने फोन से रिकॉर्ड किए गए फुटेज को मिटा दें। इसी जगह पर NDTV के अरविंद गुणाशेखर और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला के साथ मारपीट हुई। अरविंद के दांत टूटे, उसे चोट आई। सौरभ को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए
बहुत कुछ करना पड़ा। सौरभ के फोन को तोड़ा गया, वीडियो डिलीट कर दिया गया, उन्हें एक दूसरे चैनल सीएनएन की पत्रकार ने बचाया दोनों को। ये मजहब की पहचान पूछी गई। हम यहाँ पर पिछले 5 साल से लाए जा रहे थे, दिल्ली ने बता दिया कि मेहनत बेकार नहीं गई। इन खतरों के बारे में हमने आपको 5 साल से लगातार आगाह किया है और आप उसका अंजाम देखिए कि जो आज दिल्ली ने अपना नजारा पेश किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पहले लोगों से भड़काऊ तरीके से अपील करके कहा कि ट्रंप के जाने के बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे ट्रंप के जाने तक, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, बाद में उन्होंने फिर आपत्तिजनक ट्वीट किया जिसमें लिखा, जिन्होंने कभी बुरहान वानी और अफसर गुरु तक को आतंकवादी नहीं माना वो कपिल मिश्रा को आतंकवादी बता रहे हैं। जो याकूब मेनन, उमर खालिद को रिहा करवाने कोर्ट जाते हैं वो कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। जय श्री राम। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी बुधवार 26 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि हिंसा और दुखद घटनाओं के पीछे साजिश की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी साजिश देखी गई थी, भाजपा नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर भय का माहौल बनाया। दिल्ली में मौजूदा हालात के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्री और दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। एक ऐसा बयान एक भाजपा नेता के द्वारा पिछले इतवार को भी दिया गया, जब उसने दिल्ली पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 3 दिन बीतने के बाद हमें कुछ नहीं कहना। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। उवैसी ने भी इस घटना पर सरकार पर निशाना साधा। लोग मर रहे हैं, यहाँ वहाँ जाइए, दिल्ली को वहाँ जाइए, जाके आग बुझाइए वहाँ पर। कब तक मेरे नाम की मिठाई खाते रहेंगे? जो आपकी जिम्मेदारी वो नहीं कर पा रहे हैं आप। कैसे क्या हो रहा है होम मिनिस्ट्री में? लोग बड़ी उम्मीद थे, वो लोग बीजेपी के लोग बोलते थे अमित शाह, क्या हो रहा है फिर बताइए। कैपिटल के अंदर एक नहीं जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, इलेक्शन में इस तरह का बातें कही गई, अब कल जो हरकत हुई और आज भी हो रहा है, कंप्लीट नाकामी है इसमें। बीजेपी एज अ गवर्नमेंट की पूरी नाकामी और वो जिम्मेदार है इसके। भारत के कैपिटल के रहने वाले लोगों का घर जल रहे हैं, गरीब पिट रहा है, पूरी मार्केट जल रही है, और मैं क्या बोलूं सर, मुझे अपनी देश की फिक्र है। मुझे देश की राजधानी में जो ये जो नंगा नाच हो रहा है उसकी फिक्र है। मुझे फिक्र नहीं है ट्रंप की, मुझे हरगिज़ फिक्र नहीं, मुझे अपने देश की जनता की फिक्र है, सिटीजन की डिग्निटी की फिक्र है, गरीबों की फिक्र है। उस पर तो कोई बात करिए ना, उस पर क्यों नहीं बात किया जाता है? कब तक हम लोग सिर्फ गोरी चमड़ी को देखकर खुश हो जाते रहेंगे? अरे भाई, देश में जो हो रहा है कैपिटल में हो रहा है ना, इससे बड़ा और बदबख्ती की बात क्या हो सकती है बताइए आप। बीजेपी नेता के भड़काऊ भाषण जो चुनाव के वक्त देते थे उन्हीं सबका ये नतीजा है। देश के गद्दारों को,
पीछे का जवाब आना चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के कट्टरों को, देश के कट्टरों को, देश के कट्टरों को। कांग्रेस और केजरीवाल इन उपद्रवियों को क्या खिलाते थे? बिरयानी। और हम क्या खिला रहे हैं? गोली। बॉलीवुड की तरफ से भी लगातार दिल्ली हिंसा को लेकर ट्वीट आ रहे हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा, आप जानते हैं कि आप कौन हैं? एक सच्चे हिंदू होने के नाते मैं कर्म में विश्वास करती हूँ और ये आपके अगले जन्म तक का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि जल्द ही आपके सामने आएगा। आपने इसे कमाया है, जिस तरह आप पैसे कमाते हैं, दूसरों की हत्या कर उनका जश्न मना रहे हैं। क्या ये हमारा ही देश है? ऐसे हालात देश को तरक्की नहीं दे सकते। ये सब देश को पीछे की ओर धकेलने की तैयारी है या साजिश? पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।